तो दोस्तों मैं अभी अपने गांव में हूँ। बोलते हैं कि हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है हिंदुस्तान के गांव में बसती है। शहर में बहुत सारे शहर में रहने वाले हैं लोग जो कि कभी गांव नहीं आए, लेकिन जब भी आप गांव आएंगे आपको इतना सुकून मिलेगा। क्योंकि अभी जैसे अभी ये कोरोना का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे भी अगर आप देखेंगे तो शहर में है एक रूम होता है, उसके अंदर ही रहना है, खाना है, पीना है। लेकिन गांव है, गांव में आप अपने खेत में जा सकते हैं, ऐसे घूम सकते हैं, बहुत सारी जगह है जहाँ पे घूम सकते हैं। वैसे तो गांव में ज़्यादा लोग होते नहीं है, होते भी है तो सबका घर अलग अलग होता है। लेकिन तो यहाँ पे आपको उतना डर नहीं है शहर के जैसा कि ये कोरोना फैलने का। यहाँ पे भी लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हम अपने खेत में आ सकते हैं, घूम सकते हैं। यहाँ पर का आप बहुत सारे देखेंगे हरियाली हरियाली दिखेगी। अभी इस टाइम पे भी अगर आप यहाँ पे आते हैं तो पूरा हरियाली दिखने को मिलेगा, तो बहुत मज़ा आता है। गांव में पूरा सुकून का बोल सकते हैं, सुकून का सांस लेता है आदमी। तो ये गांव है, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में कि मेरा गांव कितना प्यारा है। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं अपनी फुलवारी के पास में, जहाँ पे बहुत सारा आम लगा हुआ है। अभी छोटा छोटा आम है, लेकिन ये जब बड़ा होगा तो बहुत मजा आता है। यहाँ पे आएंगे तो आप लोगों को पके पके आम मिलता है, लेकिन मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितने छोटे छोटे आम है, बट कितने लगे हुए वो दिखाता हूँ। आइए बने। अभी आम छोटे छोटे हैं, देख सकते हैं आप लोग, बहुत सारे लगे हुए हैं। ये बड़ा होगा और जब पक जाएगा तो ये खुद से टपक जाता है। अगर आप पेड़ से जो टपका हुआ आम है अगर उसको खाओगे इतना मजा आएगा। आप लोग अगर शहर में वाले हैं तो शहर वालों को तो ये एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन जो गांव वाले हैं अगर वे वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता है कि कितना टेस्टी होता है जो आम होता है पेड़ से खुद से टपकता है, वो कितना टेस्टी आम होता है। दोस्तों ये मेरे गाँव का कुछ खेत है हमारा, जिसमें पहले तो गेहूं लगी हुई थी, लेकिन अभी गेहूं कट चुका है, अभी इसमें फिर से दूसरी फसल लगेगी, खाली पड़ा हुआ है। आगे चलिए मैं आप लोगों को। दोस्तों मैं अभी अपने गांव के लेक पे हूं, तालाब पे हूं, जो हमारा तालाब है उसमें, ये हमारे पीछे देख सकते हैं आप लोग, इस तालाब में हम मछली पालते हैं। और ये मछली थोड़ा सा ही मछली पालते हैं, लेकिन वो मछली इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम पूरे साल इससे मछली निकाल के खा सकते हैं। जब भी हमें मन करता है तभी हम इससे मछली निकाल के खाते हैं, या कोई भी गेस्ट आते हैं तो उनके लिए हम ताज़ा ताज़ा मछली इससे निकालते हैं और खाते हैं। दिखाता हूँ आप लोगों को हमारा लेक जो है उसके बारे में। तो दोस्तों मैं अभी अपने स्कूल में हूँ, जहाँ से मैंने 10वीं का पढ़ाई पूरा किया है। तो मेरा स्कूल कौन सा था वो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को वीडियो में। इतना अच्छा था मेरा स्कूल, पहले तो बहुत पुराना था अभी, लेकिन बहुत बड़ा बन चुका है अभी। इसमें पहले बहुत छोटी सी क्लासरूम हुआ करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्लासरूम थे, लेकिन अभी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई है इसमें। और ये इसका ग्राउंड है जहाँ पर मैं क्रिकेट खेला करता था, तो ग्राउंड को भी मैं दिखाता हूँ आपको। आइए वीडियो। Thank you.